हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जुड़िए तो पीपल माइट हैव बीन गेटिंग कन्फ्यूज क्योंकि ग्रुप में मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे आई हैव बीन गिविंग ओनली वेरी स्मॉल मैसेजेस दिस वीक सो दिस वीक आई डोंट वरी थोड़ा सा काम है व्हिच इज बेसिकली आई एम फोकसिंग ऑन ट्रेडिंग चालू है नो no डाउट एंड वी हैव बिन दूस है वेरी 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 क्लियर ईच एंड एवरी डे फॉर लास्ट टू वीक्स तो हम लोग को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है तो ग्रुप में अगर टाइम पास नहीं हो रहा है तो चलेगा पैसे बनने चाहिए अकाउंट में ठीक है एनी वे आज की एक बार ट्रेडिंग आज की एक बार रिव्यू कर लेते फिर कल का कर ट्रेडिंग करें थोड़ा फास्ट करेंगे नो no स्टॉक्स आज कोई स्टॉक्स का रिव्यू नहीं करेंगे डेटा देखेंगे तो हमने क्या बोला था अगर आप लोगों को याद होगा हमने तो बहुत सारे बोले थे बट हमारी एक व्यू क्या थी कि मार्केट इस तरह की अगर मूवमेंट देती है राइट और इस तरह की अगर क्लोजिंग करती है राइट ये डिस्कस किया था हमने इस तरह की अगर क्लोजिंग मार्केट करती है और फिफ्टी ऑफ दिस टू दिस फुल हाई टू लो अगर वो ऊपर क्लोज कर देता है तो हमें सी बाई लेना है तो आपका आपका क्लियर व्यू होना चाहिए था क्योंकि ये डाउन साइड ही क्लोजिंग किया तो सी बी टी एस टी तो बनता नहीं था ये वाला जो व्यू था हमारा ये तो सही था निफ्टी में भी अगर आप देखोगे मार्केट वैसे बिहेव किया है ऊपर गया है फिर वहां से, सेल लेके नीचे आया है और फिर ऊपर गया है द ओनली गेम हैपेंड आफ्टर टू पी एम राइट सो ये जो गेम है आफ्टर टू पी एम जो ये गेम बना है इधर जो पोजिशन लोगों ने बड़े लोगों ने बनाया है दिस लुक्स लाइक लिटिल बिट ऑफ पुट बाइंग मोर पुट बाइंग ओके तो ये जो व्यू बना है इस व्यू का देख के आपको सी बाय नहीं करना था मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज होता तो आपको सी बाय करना था बट एनी वे अगर मैं एक पोजिशनल व्यू लू जब मार्केट यहाँ पे था अगर आप लोगों को याद होगा ट्वेंटी अगस्त को मैंने क्या बोला था कि लोग पूछ रहे थे कि मार्केट और कितना गिरेगा गिरेगा मैंने बोला सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक से पहले मार्केट न्यू हाई बनाएगा और मैंने आपको पहले भी बोला है कि मार्केट जब न्यू हाई बनाता है तो मार्केट की बिहेवियर कैसे होना चाहिए पायर सेलर की साइकोलॉजी अगर आपको पता होता तो आप लोग ये वाली ले लेते सेल वेरी इजिली वैसे हमने सेल जोन भी यहाँ पे बनाई थी बिल्कुल अगर आपने कल वीडियो देखा होगा हमारा सेल जोन सेवन हंड्रेड टेन पे ही था सेवन हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड टेन और ये सेवन हंड्रेड ट्वेल्व जाके वापस आया तो ये सेल तो आपका डेफिनेटली बनता था नो डाउट व्यू भी हमारा यही था कि मार्केट ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा राइट दैट वॉज द व्यू हाँ लेकिन टाइमिंग थोड़ी हमारी अलग थी कि हम लोग सोच रहे थे कि बारह बजे के आसपास आएगा ये आया निफ्टी में अराउंड इलेवन थर्टी तो हाफ आवर का डिफरेंस है बट इट्स ओके ठीक है बट 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 कितने लोगों ने ये ट्रेड किया नहीं किया पता नहीं आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल लर्न दिस एंडलाईड इन टू दैट ट्रेडिंग सो दैट्स ए बिग क्वेश्चन फॉर श्योर हमारे स्टूडेंट लोगों ने तो ट्रेड किया है बहुत बढ़िया और उन्होंने चार्ट भी भेजा है कल जैसे भेजा था आज उनका चार्ट मैं नहीं दिखाऊंगा आज सिर्फ एक अपने नॉन स्टूडेंट्स के चार्ट दिखाऊंगा जिन्होंने आज फीडबैक दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए यू कैन रीड दिस लास्ट लाइन रेगुलर है मेंबर कभी 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 बोलते खुश होते तो तो इट नाम में लूंगा तो हमने ये बोला था देखो इनकी इनकी व्यू क्लियर थी थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव थर्टी फाइव फोर्टी ये ब्रेक नहीं करेगा और मार्केट अगर नीचे गिरता भी है हम लोग को बाई ऑन डिप्स में रहना चाहिए मार्केट में राइट दैट वॉज द व्यू करेक्ट हम लोग सेल ऑन राइज में थे नहीं राइट एंड uh, हम लोग सेलोन राइज में थे नहीं बट ये वाला व्यू था ऊपर जाएगा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा सो so, ये नीचे जो डीप होता है यहाँ से बायोन डिप्स हमारा बनता था तो यहाँ तक तो हमारी व्यू परफेक्ट थी खाली निफ्टी में दो बजे के बाद थोड़ा गड़बड़ हुआ है ठीक है अदरवाइज रेस्ट ऑफ द व्यूज वो बट बैंक निफ्टी में अगर देखो जो भाई साहब अभी बोल रहे हैं ना 530 थर्टी का आप लेवल, लेवल देखो यही भी हमारी कहीं पर पिपड़ थी अगर आप देखोगे बायोन डिप्स इसने कितने बार दिया जैसे उन्होंने लिखा है फोर टाइम्स राइट वन Two, three, four. almost four times bank nifty gave buy so even in a downfall it is a buy on dips on that same level गेव बाय okay ये तो ये हमारा इतना आइडियालीके अब लोग इसको रीड कैसे करते हैं कल का ट्रेड कर लेते हैं कल देखो गैंक निफ्टी जब भी 1200 सौ पॉइंट के आसपास का रिकवरी दिया है जो यहाँ पे दिया 34,800 के इलेवन हमने ये, ये हमने क्यों बोला था कि ये ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा क्योंकि निर्मला सीतारामन कैंडल बनेगा तभी ये 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा ऊपर थाउजेंड पॉइंट नो रीजन 2000 पॉइंट no ये ऊपर जा सकता था दैट इज द रीजन मैंने यही बोला था कि आप यहाँ पे जाओ और ये हमारी सेल जोन थी थोड़ा ऊपर गया अलग बात है चीटिंग किया बट हमारी सेल अगेन बाय एंड ये हमारी भी होती है उसके बाद तो रेस्ट इज बेसिकली भगवान की मर्जी एनीवे anyway, तो ये रिट्रेसमेंट बनता था बट कल क्या होगा पहली चीज गाइस मैंने आपको क्लियरली मना किया था कि सिनारियो इस सिनारियो में आपको सी बाय नहीं करना है तो आई होप किसी ने सी बाय नहीं किया होगा पी अगर बाय किया है तो देखो कितने पैसे कमा सकते हैं बिकॉज टूमोरो इज एक्सपायरी ऑप्शन बार के लिए ज्यादा कुछ रहेगा नहीं ठीक है डेटा डेटा इज माइल्ड अगर हम सॉरी वन सेकेंड इज दिसंक दिस इज द डेटा कमॉन One second guys, I apologize for this. One second. Okay. या अगर ये सॉरी सॉरी फॉर द कंफ्यूजन guys. अगर हम ये आज की डेटा देखे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे राइट ये जो है ये ये जो ओके okay, वन तो ये ये जो एरिया आप देख रहे हो राइट right? रिटेलर इतना बड़ा बुलिस इट इज ए क्लियर क्लियर बुल पोजिशन प्रोज जो है सिमिलर नंबर आपने बेचे हुए हैं रिटेलर्स को अगर आप देखोगे और एफ आई ए ने अपनी थोड़े से ऐड किए डीआई बी डीआईए को हम इग्नोर कर लेते हैं बट अगर हम प्रोज को ले लें विच इज मोर 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 पावरफुल ड्यूरिंग द एक्सपायरी तो हमारा एक व्यू अपसाइड कैप का होना चाहिए एटलीस्ट इन द मॉर्निंग सेशन ओके तो एंड ऊपर बड़ा मार्केट पॉसिबल नहीं है अनलेस हाफ में पोजिशन कट हो और रिकवरी है रिकवरी है दैट कल कल के जो, कल के जो जो ट्रेड है गाइस ओके okay, आपको पहला आधा घंटा वेट करना है ठीक है कल की जो ट्रेडिंग कल की जो ट्रेडिंग है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट शायद आपको काम दे दे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ओके okay, तो आपको करना क्या है टाइम फ्रेम पंद्रह मिनट का लगाना है आपको वो पंद्रह मिनट में जो कैंडल बनता है उसके ऊपर मार्केट गया हाई कट किया तो प्रोब्ली फॉर नेक्स्ट वन आवर इट विल बी ऑन दैट साइड और उसने अगर लो कट किया तो प्रोबली मार्केट विल बी ऑन द डाउन साइड फॉर वन आवर साइड दैट इज द व्यू तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का जो थी स्ट्रेटेजी है वो कल काम करना चाहिए दैट इज माई पर्सनल व्यू ओके बाकी ऑप्शन बायर अगर आप हो तो देख के करना भाई एक्सपायरी है क्या पता कि ये ओपनिंग रेंज काम तो करे बट मूवमेंट ही बड़ा ना दे ठीक है तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है बट आई थिंक ब्रेकआउट शुड वॉक टुमारो टुमारो शुड आइडियली बी रेंज बाउंड एक्सपायरी अनलेस मार्केट गोज डाउन हेवीली इन द मॉर्निंग क्लियर गाइस ओके अगर मार्केट नीचे चला जाता है मॉर्निंग में ही okay? ओके एंड आई एम about अबाउट ए लेवल ऑफ ये तो हमारा बाइंग लेवल बैंक निफ्टी में है ही है बट आई एम टॉकिंग अबाउट ए लेवल ऑफ guys थर्टी फाइव थाउजेंड हंड्रेड से हंड्रेड सेवेंटी के आसपास आपको पहले मैंने एक लेवल दिया था वन हंड्रेड जिस दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पूरा डांस किया था राइट right? सो so, ये उसी के आसपास का लेवल है थर्टी फाइव थाउजेंड हंड्रेड का बाई चांस अगर बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे मिलता है तो ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन परसेंट ब्लाइंड बाइंग आपकी है ओके थर्टी फाइव थाउजेंड हंड्रेड सेवेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी अगर मिल जाता है कभी मॉर्निंग में नीचे आ जाता है उस में आपको जैकपॉट मिलेगा बाइंग साइड क्योंकि ये स्टार्टिंग जहां से किया था ना वहीं पे मतलब ऑलमोस्ट आपको सोच लो फोर हंड्रेड पॉइंट की बाइंग मिलेगी दैट मींस ये जितना नीचे आएगा अगर ये लेवल पहुंच जाता है उतना ही ऊपर जाएगा कल ओके दैट इज द व्यू और पॉसिबिलिटीज भी शायद यही हो कि मार्केट मॉर्निंग में नीचे आ जाए क्योंकि जो बड़े लोगों की पुट की बाइंग पोजीशन है वो शायद मॉर्निंग में ही प्रॉफिट ले लें यहाँ पे पोजीशन कट करें एक तो पोजीशन कट करेंगे दोबारा अगर इनको गेम खेलना होगा तो ये नया पोजीशन भी बाइंग साइड बना सकते हैं पर जैकपॉट पॉसिबल है ठीक है तो हमको जैकपॉट सेकेंड हाफ में हमको लेना ही लेना है देर आर टू सीनारी आपको याद रखना है कल लास्टो की टाइमिंग में कल दे नहीं रहा हूं दो सीनारियो आपको याद कर रहा है अगर मार्केट कल आपको जैकपोट दोनों साइड मिलने की पॉसिबिलिटीज है बाइंग जैकपोट अगर मॉर्निंग में नीचे आता है और सेलिंग जैकपोट अगर मार्केट ऊपर जाता है ठीक है बाइंग जैकपोट जो है आपको वो थोड़ा जल्दी मिलेगा दैट मीन्स अराउंड ट्वेल्व ट्वेल्व थर्टी के आसपास से मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा टिल द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट एटलीस्ट टू थर्टी तक ओके okay, बट अगर अपर साइड आप देख रहे हो मार्केट फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे नहीं आया फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर चलना चालू कर दिया ये यहाँ पे कंसोलिडेट बहुत टाइम करेगा देखो कल ओके okay? ये सेल जोन तो कल काम नहीं करेगा ये वाला थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टीन ओके अगर मार्केट यहाँ पे पहुंचता है यहाँ पे मार्केट जो आपको सेल देगा ना ये लेवल पे ये सेल मुझे जो लगता है वो थोड़ा सा लेट आने की पॉसिबिलिटीज है इट माइट बी पॉसिबल दैट के ये दो बजे के बाद ही आए या वन थर्टी के बाद ही आए बट बाइंग जैकपॉट अगर आपको लेना है तो आपको बारह साढ़े बारह के आसपास आपको लेनी पड़ेगी ओके बाकी थर्सडे है मैं तो ज्यादा ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन करूंगा नहीं अगर आपने पैसे बनाए हैं एवरी डे विथ हस तो थर्सडे पे कम क्वांटिटी में करो या ट्रेडिंग मत ही करो ओके ठीक है बट एक प्रिफरेबल ट्रेड हमारा ऐसा होना चाहिए बाइंग जैकपॉट का इन द सेकेंड हाफ ओके लेवल्स यही है सेल जोन यही है बाय जोन यही है जो कल का बाय जोन था वही बायजोन है सेल जोन थोड़ा ऊपर गया है ये बायजोन में ट्रेडिंग सबको पता है अगर नीचे मार्केट में मॉर्निंग में मार्केट बायजोन के नीचे चला जाता है तो आपको बाय तो करना ही नहीं है सेल कर सकते हो बाय तो करना ही नहीं है बाय आप तभी करोगे जब ये बायजोन के ऊपर आएगा दैट मीन थर्टी के ऊपर जाएगा नीचे से ऊपर आएगा तभी आप बाइंग सो सकते हो अदरवाइज नहीं सोच सकते ओके ओके ब्लाइंड ब्लाइंड का 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 लेवल लेवल तो मैंने दे दिया सेल जो कल है है यही ऊपर से आप सेल कर सकते हो रेड कैंडल बनेगा तो निफ्टी में बता देता हूँ देखो निफ्टी में कल जो सेल जो है यही है ठीक है ये ये वाला जो है सो विच इज सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स नाइनटी ओके बट अगर, अगर ये सीनारी सेल कब बनेगा जब मार्केट फ्लैट ओपन हो और ऊपर जाना चालू कर बट मार्केट मॉर्निंग में ही लेट से गैप अप ओपन हो गया लेट से और ये सेल जोन को दस बजे से पहले कट कर दिया फिर तो आपका सेल बनता है सेवन थर्टी से ये भी एक सेल जोन है सेवन थर्टी से आप सेल करो पिंक लेवल सेल है सेवन थर्टी से सेल कर सकते हो उस केस में टारगेट मिनिमम हंड्रेड पॉइंट का आपको रखना है मतलब सिक्स फोर्टी सिक्स फिफ्टी तक मार्केट आ जाना चाहिए आपका 80 पॉइंट्स का टारगेट सॉरी 80 पॉइंट्स का आपका टारगेट होना ये टारगेट देगा द ओनली थिंग इज दैट अगर मार्केट सेल देना होगा ऊपर से अगर जैकपॉट देगा तो मेरे ख्याल से दो बजे 130 या डेढ़ बजे के आसपास के बाद ही देगा उससे पहले शायद मार्केट ना दे बाइंग की जो लेवल है जो बैंक निफ्टी में बोला सिनारियो सेम है जैसे बाइंग लेवल वन बाइंग लेवल टू ये बाइंग लेवल में नीचे से ऊपर जा रहा है तभी आपको ट्रेड करना है दैट मीन्स सिक्सटीन थाउजेंड फाइव नाइनटी के ऊपर अगर मार्केट गया तो आपको ट्रेड करना है बाइंग साइड अदरवाइज नॉट मार्केट अगर नीचे गैप डाउन होता है तो फाइव फोर्टी तक का वेट करो फाइव फोर्टी इज ए ब्लाइंड बाय लाइक बैंक निफ्टी ओके नाइनटी नाइन परसेंट के यहाँ से बाइंग देगा और हंड्रेड पॉइंट का दैट मीन्स फोर्टी तक दैट मीन्स ये बैंक निफ्टी में जो सीनारियो मैंने बोला जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो जाएगा ठीक है दैट so ये अगर इतना नीचे आता है तो ये इतना बड़ा जैकपॉट भी आपको कल देखा जाएगा क्लोजिंग आपकी ऊपर साइड ही होनी चाहिए डाउन साइड बड़ा नहीं होगा बट मैं ये नहीं बोल रहा कि कल क्लोजिंग इसके ऊपर होने की पॉसिबिलिटीज है सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स नाइनटी के ऊपर होने की पॉसिबिलिटीज है ही नहीं सो दैट मीन सिक्सटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड का कॉल आप इजिली सेल कर सकते हो अगर हाई प्रीमियम में मिलता है आपको ऑन द अपर साइड क्लियर एवरीबॉडी मतलब ये 750 जाएगा भी ना तो भी ये आपको जीरो करके दे देगा 700 सी का सेल 33 30 तक इजीली जीरो करके देगा तो ऑप्शन सेलर के लिए आई वुड टेल के कॉल सेलिंग वुड बी मोर प्रॉफिटेबल स्पेशली इन द फर्स्ट आवर 1:00 से पहले अगर ये नीचे वाला सिनेरियो हो जाता है तो आप फिर 1 1:30 के बाद पी सेल कर सकते हो इजीली फॉर ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बार भाई आप तो भगवान के भरोसे हो सो so, आपको स्कैल्पिंग ट्रेड ही लेना है लेवल पे लो जो लेवल लिया है बाकी कल देखते हैं कल देखूंगा मैं लाइव में आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा दिस वीक हैज बिन रियली रियली आई मीन बिजी ओके जनरली तो मैं ऑफिस का, का काम करते करते भी ट्रेड कर लेता हूँ मैसेजेस डाल देता हूँ बट दिस वीक हैज बिन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट विल सी दैट कि नेक्स्ट वीक से तो एटलीस्ट हो या फिर कल कल हो जाए ठीक है थैंक यू वेरी मच गुड नाइट Thank you for listening to the video. Do share with people if you understand and take the trade and become profitable, even if it is small. Okay. J just one point. I think Twitter on Twitter and Baki YouTubers ko they against the retail traders are not trading on September 1st. So I'm with them. I'm definitely with them. So I'm not going to trade on September 1st. And I would request people also if they can do that. रिटेलर वर्स रिगार्डिंग मार्जिन ओके बाकी कल देखते हैं जय बात होमोन